मंडी पुलिस ने शहर के साथ लगते एक होटल में चल रहे वेश्यावृत्ति के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक को हिरासत में लिया है। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की हर तरह से जांच कर रही है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले दलाई लामा का जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा छोटी काशी मंडी में भी दलाई लामा का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। छोटी काशी मंडी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। इस बार किसी व्यक्ति पर दुष्कर्म जैसा कोई संगीन आरोप नहीं लगा है, बल्कि होटल में सरेआम वैश्यवृत्ति के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में मंडी पुलिस ने छोटी काशी मंडी को शर्मसार करने वाले इस गोरख धंधे को चला रहे आरोपी होटल मालिक को रंगे हाथों दबोचा है। यही नहीं, पुलिस ने होटल से दो युवतियों को भी बरामद किया है। इस गोरख धंधे में शामिल इन युवतियों में एक दिल्ली की तो दूसरी गुड़गांव की बताई जा रही है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को मंडी शहर के साथ लगते एक होटल में वैश्यवृत्ति का गोरख धंधा चलने की गुप्त सूचना मिली, जिस पर संज्ञान लेते हुए मंडी पुलिस ने प्रोविजनल डीएसपी अनिल पटियाल की अगुवाई में टीम का गठन किया और होटल में रेड मारी, जिसमें मौके पर ही बाहरी राज्यों की दो युवतियों सहित होटल मालिक को पुलिस ने मौके पर हिरासत में लिया। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक कल शाम एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी सदर के पास कि मंडी के समीप एक निजी होटल में वैश्यवृत्ति का कारोबार जो है कुछ टाइम से चल रहा है, जिस पर सूचना पुख्ता होने के तौर पर एक टीम गठित की गई जिसका नेतृत्व डीएसपी प्रोबेशनर अनिल पटियाल कर रहे थे। और टीम फॉर्म करके लोकल विटनेसेस को साइट करके एक निजी होटल में जब रेड की गई तो वहां पे पाया गया कि एक व्यक्ति जिनका नाम लक्षण कुमार है और वो गुटकर के रहने वाले हैं, वो इस निजी होटल में वेश्यावृत्ति का कारोबार चला रहे थे। और वहाँ से दो लड़कियों को भी रेस्क्यू कराया गया है पुलिस टीम के द्वारा, जिन्होंने अभी प्रारंभिक अन्वेषण में अपना पता जो है वो बाहरी राज्यों को बताया है, जिसकी वेरिफिकेशन चल रही है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें धारा 346 प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जो है उसमें मुकदमा थाना सदर में दर्ज है, जिसका आगामी अन्वेषण महिला पुलिस स्टेशन मंडी की जो निरीक्षक हैं इंस्पेक्टर रीता वो कर रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर चल रहा है, साथ ही इस मामले में किसी बड़े रैकेट के साथ जुड़ने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश हर एंगल से कर रही है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।